सबना नमस्कार। मेरा नाम विजय सिंह गुर्जर है और मैं राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में देवीपुरा बनी गांव में बिलोंग करूँ। गांव में बात करिए, आज जना कोरोना के खातर लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। कई सारा तो अब सोशल मीडिया पर ऐवना वीडियो बना रखे हैं कि लोग भ्रमित हो रखे हैं। कोरोना का जो लक्षण ही पे जुकाम जियावना ही हुई, जी आपने जुकाम में सिर दर्द हो जाए, आपने नाक में पानी आवे, गला में दर्द हो जाए, शरीर में दर्द हो, हल्की सी बुखार रहे, यही सारा लक्षण जो ही पे कोरोना का ही जुकाम में के है कि आपने 4-5 दिन में ठीक हो जावा। कोरोना को तो जो टाइम है वो थोड़ा सा लंबो चल जाए, तो अगर ए लक्षण 10-12 दिन तक लगातार रह रहे तो डॉक्टरों कंसल्ट करवा की जरूरत है। फिर भी यहाँ परेशान हो बाकी जरूरत को नहीं है कि भाई कोरोना हो गो तो जान ही जा बाड़ी है, या उन्होंने कुछ को नहीं हो बाड़ो है। कोरोना वायरस जगह आदमियान पीड़ित करे, जगह कोरोना पीड़ित ही बम 80-85% आदमियां को तो कोई फर्क ही कौन पड़े बिसु, मतलब बा को शरीर की रोगों लड़वा की क्षमता अति बढ़िया है कि कोरोना को बाकी बॉडी पर कोई असर ही को नहीं हुआ। भाई इन्फेक्टेड हुई कोरोना सुपीड़ित हुई और अपना आप ही वो ठीक भी हो जाए। जो बाकी की जनसंख्या है 15-20%, जबकि स्पेशली 60 सालों ज्यादा का आदमी ही, कोई का डायबिटीज हो रखी है, कोई का हार्ट से संबंधित बीमारी है, कोई लंबा टाइम में दवाई ले रहे है, कया की रोग लड़वा की क्षमता ही बड़ी ज्यादा कम है, या टाबर ही आँख के थोड़ा सो असर पड़ सके है कोरोना को। जो भी पड़ सके है, जरूरी को नहीं है पड़ेगो, हम भी डिपेंड करे आदमी और आदमी के बीच में, तो पैनिक परेशान हो बाकी अयावनी कोरोना से कोई जरूरत को नहीं है। थोड़ा सो ध्यान रखो कि कोरोना फैले नहीं। कोरोना फैलवा का कारण कह के ही कि ज्या मान लो दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी का कोरोना हो रखी है, वो खांस रहे है, छींक रहे है, तो भी 1 मीटर का माए वो कोरोना को वायरस हवा का माए भी फैल जाए, कोई भी सरफेस है ना, मान लो कन बैठे हैं तो टेबल के ऊपर अठे भी फैल जाए, तो दूसरा आदमी जो है वो बटे सांस ले रहे है तो भी का कोरोना हो सके है। छींक दियो और छींक का छांटा मुंह पे पड़गा और नाक और मुंह से वो माए चलेगो तो भी सामने आदमी का कोरोना हो सके है। मान लो मेरे कोरोना है, मैं मेरे मुंड और नाक साफ कर लिया और जार कोई गर्म जोशी हाथ मिला लिया तो सामने आदमी का कोरोना हो सके है। एक ही कोरोना की खास और समस्या है, वो कोई भी सतह पर भी रह जाए। जी मान लो कि आ किताब है, मेरे कोरोना हो रखे है और मैं ये किताब ने पढ़वा के लाग रही हूँ, मेरा हाथ में वायरस लाग रखे है, क्योंकि मैं हाथ जना तो हाथ साफ करवा की सलाह दी कि सैनिटाइजर हूँ या साबुन हूँ, कोई भी एल्कोहल वाला हाथ साफ कर वाली चीज हूँ, हाथ साफ कर रखो, मैं को नहीं कराया और मैं किताब के ऊपर हाथ लगा दिया, ये किताब ने मैं रख चलेगो, दूसरा आदमी यार किताब ने उठावे तो भी हाथ के ऊपर वायरस चले जाए। अब वो वायरस कती देर किताब के ऊपर या निर्जीव चीज के ऊपर कती देर जीवित रह सके है, इसके ऊपर भी साइंटिस्ट अभी बात कर रहे हैं। तो दूसरा आदमी किताब का हाथ अगर आपका नाक मुंह ने पूछ लियो तो भी कभी कोरोना हो जाए। तो वो वायरस इस कारण से दुनिया भर का माए ज्यादा फैल रहे है। इसको अभी तक कोई टिक्को, कोई दवाई, कोई ऑथेंटिक कुछ भी कौन बने है। हालांकि अपने ऐसे में हॉस्पिटल का माए जरूर 3 आदमी ठीक करें कुछ एक्सपेरिमेंट करके, पर वो प्रयोग चल रहे है कि वो सही में ही सक्सेसफुल हुए है को नहीं, सफलता जरूर मिली है, तो आशा है कि जल्दी मिल जाएगी। कुछ अफवाह ही को जरूर ध्यान रखना है। मेरे कम कई सारा कोई वीडियो ऑडियो भेजे हैं कि सामान खत्म हो बड़ो है, 1 अप्रैल मार्केट बंद हो जागो, ATM में पिस्सा को नहीं रिंगा तो पिस्सा कढ़ा लियो और सामान घर पर रख लियो, या उन्होंने कुछ को नहीं हो बड़ो है। अपना देश में जो तो सामान बन रहे है खाबा पीबा पेरबा को वो 20 स्पीड में बन रहे है, अपन वही अवेलेबल रखो मार्केट का माए, और जो जरूरी सामान है भी खातर तो सरकार कोशिश कर रही है कि वो एक्स्ट्रा अवेलेबल रहे मार्केट का माए। अगर कोई व्यापारी कोई बिजनेस कर वाला भी दाबा की कोशिश कर रहे हैं तो वहां खातर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ, तो आपने भी जिम्मेदारी है कि अपन 5 रुपए की चीज चाहिए तो अपन 5 की लार खरीदा, 50 रुपए की चीज लार घर नहीं मिला, या अगर अपन करांगा तो जरूर ही मार्केट का माए सामान की कमी हो जाएगी। एक कई तांत्रिक लोग कह रहे हैं कि गलाम बो लसन की बा पेड़ लो और भी कोरोना को नहीं हुआ, तो वो मिसकनसेप्शन है, कुछ ही को नहीं बड़ो है। एक मास्क का बारे में है, मास्क नॉर्मली बया तो कोई भी मास्क लगाओ तो बढ़िया ही है, पर जो बीमार आदमी है जिसका जुकाम भी हो रखी है, बिन जरूर मास्क लगाना चाहिए, बिन आपका हाथ धोड़ा रखना चाहिए, दूसरा हूं हाथ मिला पाऊं चीजान टच कर पाऊं, बिन थोड़ा सो दूर रहना चाहिए। एक अपने जो गांव का माए अगर ज्यादा फैलेगो तो भी खतर जो यूथ है बाई जिम्मेदार रहेगी, तो जो युवा लोग ही 20-40 साल का ज्यादातर लोग हैं नौकरी में ही, कोई पुलिस पटवारी है, कोई ग्राम सेवक है, कोई आपकी दुकान कर रखी है, कोई नेतागिरी वाला आदमी ही, तो थे लोग बाहर जाओ और मैं देख रही हूँ कि सारा स्टेटस तो लगाओ कि कोरोना से दूर रहना है, डू एंड डोंट्स क्या करें क्या नहीं करें, पर ते खुद जाओ जाते खुद हाथ मिला रहो,
और थारे कोरोना हो सके तारा शरीर में कोई असर बन पड़ेगा, पर ते जद घर होगा थारा टाबरान खिलाओगा या थारा माँ बापू बात करोगा तो बन थे परेशानी देश को। तो स्पेशली थारी ज्यादा जिम्मेदारी आपा जो 15-20 साल सुन ले और 40-45 साल तक का आदमी अपन ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपा बारह वायरस अपना गाँव में अपना कस्बा के माए अपना परिवार में नहीं ले रहा। तो इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। और एक जो एटीट्यूड है अपनों कि क्यों है क्यों है, यूं थोड़ा सा बचना है, कोरोना सही में ही इलाज को नहीं है इको, अगर पूरा देश में बीमारी फैल गई ना तो अपना खातर बहुत मुसीबत हो जाएगी। सरकार अति मेहनत कर रही है कि इकट्ठे भी नहीं फैले, एयरपोर्ट पर भी विदेशी जो आ रहे हैं बन सारा चेक कर रही है, विदेशों जो भी अपना लोग आ रहे हैं बन सारा चेक कर रही है, और जगह आदमी में कोरोना मिल रही है बन अलग रख रही है, बन सारी सुविधा दे रही है, बन को इलाज कर रही है। तो सरकार इतनी मेहनत कर रही है तो आपने भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बने कि आप भी अतिक सी चीजों को ध्यान रख लें कि देश में ना फैले। अगर 2-3 वीक आप 2-3 सप्ताह आप ध्यान रख लियो तो बी के बाद में वो कोरोना देश का माए कौन फैलेगो। और एक मैं झुंझुनू से हूं तो अपने से खवाटिंग की हर गाँव में चौक कमाए 4-5 आदमी बैठे रही जो हर चीज को मजाक बनावे। तो बहु रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आदमी ना कुछ मिजर कर रहे है कि दूरों नमस्कार कर रहे हैं हाथ को नहीं मिला रहे तो मजाक मत बनाओ, सही में या सीरियस बीमारी है। और अगर अपा इन थोड़ी सी ध्यान रख और थोड़ा सा इको फैलाव रोक दियो ना तो अपा ये बीमारी जीत सका। तो थारो स्पेशल निवेदन है कि सारा गाँव ने सपोर्ट करो, ते खुद भी आगा हो जो मजाक बना वाला लोग हर चीज को मजाक बना ली वह कि करोना कोरोना ने करोना बोलनी ही और कहीं खांस दिएगा करोना होगी, ऐसी चीजों से दूर रहो। थोड़ा इन सीरियसली लो, डरबा की जरूरत को नहीं है बट थोड़ा सो सीरियसली इका बचाव करबा की जरूरत है। मैं पूरी पूरी आशा रखू कि आप सारा मिल और एटलीस्ट अपना एरिया का माए तो अपना ध्यान रख सका, अपना घर में अपना मोहल्ला में अपना गांव में अपनी तहसील में तो अपना ध्यान रख सका। तो इको ध्यान रखो और अपना चाहूँ कि जत्ता केस आगा अपने झुंझुनू में भी 3 केस आगा खेतान में एडमिट ही तो और ज्यादा केस नहीं आए। अभी 1200 भी लोग आएंगा दिल्ली में जो रह रहे हैं ना दिल्ली में, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंट बढ़ गए हैं तो अब दिल्ली से भी गांव का नहीं लोग आएंगा, जयपुर भी गांव का नहीं लोग आएंगा। और बा लोगों में 99% को कोई कोरोना को टेस्ट को नहीं हो सके, बामा सु कोई कोरोना हो। तो जो लोग 1200 घर जा रहे हैं वह भी ध्यान रखो कि 5-10 दिन तक एटलीस्ट थे थोड़ा सा अलग रहो, कोई इन टच मत करो, कोई ज्यादा संपर्क मत करो, ज्यादा कोई क्लोज मत जाओ। अगर खांसी जुकाम है तो मास्क वगैरह को यूज करो, आसान टाइम पर धो, सफाई को थोड़ा सो ध्यान रखो। आशा है कि ते सारा आपा से मिल और कोरोना ना रहांगा और आपा जीतांगा। नमस्कार।